नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं फटाफट खबरों के सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। शुक्रवार देर रात उत्तर भारत के बड़े इलाके में भूकंप की वजह से दहशत फैल गई। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और यूपी तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भारत में सबसे तेज झटके कश्मीर घाटी और श्रीनगर में महसूस किए गए। इसके बाद पंजाब, खासकर चंडीगढ़ में भी भूकंप की वजह से लोगों में डर नजर आया। कश्मीर घाटी में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग दहशत के मारे अपने घरों से भागते हुए देखे गए। भूकंप के झटके करीब 3 मिनट तक महसूस किए गए। भूकंप की वजह से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी दहशत का माहौल रहा। धरती के हिलने का एहसास होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 बताई गई। भारतीय समय के मुताबिक भूकंप करीब 12:45 पर आया। भूकंप का केंद्र हिंदुकुश था। यहां अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा के पास जो है पाकिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से भारत में फिलहाल जानमाल के किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि देर रात आए भूकंप की वजह से कड़ाके की सर्दी के बावजूद लोग घरों में लौटने को तैयार नहीं थे। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ ही मिनट के भीतर भूकंप के कई तेज झटके महसूस किए गए। इसका असर 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र धरती से करीब 192 किलोमीटर नीचे था। ज्यादा गहराई पर केंद्र होने की वजह से कम नुकसान हुआ। कश्मीर के पुंछ इलाके में भारी बर्फबारी से तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को पुंछ में मौसम का सबसे सर्द दिन रहा। बर्फबारी और जबरदस्त ठंड की वजह से पुंछ में आम जनजीवन पर जबरदस्त असर पड़ा है। कड़ाके की ठंड से मुकाबला करने के लिए लोग आग तापने को मजबूर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। जबरदस्त ठंड की वजह से राजधानी शिमला में लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। शिमला में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ इकट्ठा हो गई है और लोगों को आवाजाही तक में काफी दिक्कतें हो रही हैं। रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार के बाद दिल्ली लौट आए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बीजेपी नेताओं के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। पीएम मोदी सुषमा स्वराज के साथ अकेले कुछ देर तक बात करते रहे। माना यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच विदेश दौरों को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद पीएम मोदी का काफिला अचानक रुक गया। काफिले के रुकने के बाद पीएम मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उनकी एक झलक पाने के लिए आसपास मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर वो अभिवादन करते नजर आए। दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर पहुंचे। पीएम मोदी ने वाजपेयी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। इससे पहले शनिवार को अफगानिस्तान दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक नवाज शरीफ के जन्मदिन पर पाकिस्तान पहुंचे थे। काबुल से लाहौर पहुंचकर पीएम ने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी। लाहौर पहुंचे पीएम मोदी का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मोदी नवाज शरीफ के साथ उनके घर गए। शरीफ के आवास रायवन पैलेस में मोदी करीब 1 घंटे तक रुके। मोदी हेलीकॉप्टर से शरीफ के घर पहुंचे जहां पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। लाहौर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के साथ उनके पैतृक घर गए। नवाज शरीफ के घर पर उनकी नातिन की मेहंदी की रस्म के लिए नवाज शरीफ के घर मेहमानों का तांता लगा था। नवाज शरीफ ने अपने परिवार वालों से पीएम मोदी का परिचय कराया। पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी ने नवाज की मां के पैर भी छुए। पीएम मोदी नवाज शरीफ के घर पर करीब 1.5 घंटे तक रहे। पाकिस्तान दौरे पर जब तक पड़ोसी मुल्क की जमीन पर पीएम के पांव रहे, नवाज उनके साथ लगातार बने रहे। वापसी में नवाज शरीफ खुद पीएम मोदी को लाहौर एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए। इस दौरान नवाज तब तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे जब तक कि पीएम मोदी का विमान रवाना नहीं हो गया। कांग्रेस ने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि विदेश नीति में गंभीरता होनी चाहिए और मोदी के पाकिस्तान जाने से देश का मजाक उड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि यह अचानक से लिया गया फैसला नहीं है बल्कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर एक कारोबारी को लाभ पहुंचाने के लिए पाक यात्रा करने का आरोप लगाया। इससे पहले रूस के सफल दौरे के बाद शुक्रवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के काबुल पहुंचे। खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पीएम की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगान संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया जिसका निर्माण भारत की सहायता से किया गया। इसमें एक ब्लॉक पूर्व वाजपेयी के नाम भी। इधर बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर अपना जवाब दिया। आजाद ने पत्र में पार्टी अध्यक्ष से पूछा कि किस अपराध के तहत पार्टी ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की। इसके साथ ही आजाद ने अमित शाह से मांग करते हुए लिखा कि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। डीडीसीए में कथित घोटाले की जांच के लिए एक सदस्य आयोग गठित करने पर उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक बार फिर से टकराव हो गया है।
सूत्रों के मुताबिक एलजी ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर केजरीवाल सरकार द्वारा डीटीसी घोटाले में बनाई गई जांच कमेटी का गैर कानूनी बताया है। वहीं केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग पर चिट्ठी लीक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो खुद परिवहन घोटाले में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े एक विवाद में अपने सलाहकार ओमपाल नेहरा को हटा दिया है। ओमपाल नेहरा ने मुस्लिमों से अपील की थी कि जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो तब वो भी कार सेवा में शामिल हों। नेहरा के इस बयान के बाद यूपी सरकार ने तुरंत हटाने के उनको आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले के प्रमुख आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने जेल से आते ही व्यापम में संघ के नेताओं को फंसाए जाने का आरोप लगाया। लक्ष्मीकांत ने कहा कि संघ के नेताओं ने कभी किसी की सिफारिश नहीं की, लेकिन पहले एमपी पुलिस की एसटीएफ की जांच पर पूर्व संचालक के एस सुदर्शन और संघ के नेता सुरेश धोनी के नाम सामने आए। अटल जी के जन्मदिन के दिन ही मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का भी जन्मदिन होता है। राजू श्रीवास्तव ने अपने अंदाज में अटल जी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना में घोड़े की सवारी की। उन्होंने बिहार पुलिस के घुड़सवार दस्ते के साथ ये घुड़सवारी की। तेज प्रताप ने 10 से सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास से 5 देश रत्न मार्ग तक की घुड़सवारी की। हुर्रियत ने आज जम्मू कश्मीर में बंद का ऐलान किया है। हुर्रियत ने राज्य भर में प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। बता दें कि हुर्रियत ने कश्मीर में 3 लोगों की हत्या की घटना को लेकर यह बंद बुलाया है। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में एक डीटीसी बस ने 2 भाइयों को कुचल डाला। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और बस को भी अपने कब्जे में ले लिया। हादसे के बाद इलाके के लोगों में खासा गुस्सा है। दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले की कामयाबी को लेकर जानकारों ने शक जताना शुरू कर दिया है। जानकारों का यह दावा है कि इस योजना से दिल्ली में न केवल ट्रैफिक बढ़ेगा बल्कि यहां सफर करना मुश्किल हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक इस योजना के लागू होने के बावजूद जो लोग अपनी कार में चलने के आदी हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुख जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दशा ठीक नहीं। जानकारों की अगर माने तो इससे सड़कों पर चलने वाले भारी ट्रैफिक में ऑड इवन नंबर की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, इससे ट्रैफिक जाम होगा और पब्लिक पुलिस के बीच झगड़ा बढ़ने का अंदेशा है। ट्रैफिक जाम बढ़ा तो गाड़ियों से बेहिसाब निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करेगा। जानकारों का यह मानना है कि इस नियम को ठीक से अमल में लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास मैन पावर भी नहीं है। उधर महाराष्ट्र एटीएस ने आईएस के बारे में बड़ा खुलासा किया है। मुंबई के मालवाणी से गायब हुए युवक ने बताया है कि आईएस के साइबर सेल के लोगों की नजर मुंबई के युवकों पर है। एटीएस सूत्रों के अगर माने तो आईएस के साइबर टीम ने पहले मालवाणी में रहने वाले अयाज सुल्तान को अपने जाल में फंसाया और बाद में अयाज के जरिए अन्य युवकों को सीरिया ले जाने की साजिश रची। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक मालवाणी के अयाज सुल्तान आईएस के लिए लोगों की भर्ती कर रहा था। जम्मू कश्मीर में बारामूला के रिहायशी इलाके में एक छोटी हिरण के घुसने से इलाके में भगदड़ मच गई। इस हिरण को पकड़ने के लिए लोग उसके पीछे भाग गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इस हिरण को पकड़कर वन्यजीव विभाग को सौंप दिया। वहीं वन्यजीव विभाग ने बाद में इस हिरण को जंगल में छोड़ दिया। असम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि 8 और इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक चोर की तलाश में गांव में दबिश देने के दौरान गांव वालों ने पुलिस वालों का विरोध किया। वहीं एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। बताया भी जा रहा है कि इलाके में अब शांति है लेकिन अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। इस मौके पर राष्ट्रपति का स्वागत मंदिर का प्रबंधन देखने वाले तिरुमला त्रिपति देवस्थान संस्था ने किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हा भी वहां मौजूद रहे। काशीपुर जसपुर रोड पर हुए नवाब की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मृतक की पत्नी और उसकी प्रेमी सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक नवाब की पत्नी शाहना परवीन और उसकी प्रेमी सरफराज ने हत्या के लिए 1,00,000 रुपए की सुपारी दी थी। दो बदमाशों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। श्रीगंगानगर में मासूम बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में जनवादी महिला समिति ने एक कैंडल मार्च निकाला। संगठन के सदस्यों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दस्तावेजों के मुताबिक नाबालिग है लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उसे बालिग करार दिया है। जनवादी महिला समिति ने आरोपी को छुपाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उधर बैतूल में करीब 500 आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव कर लिया। बिना सूचना दिए 45 घर तोड़े जाने से नाराज आदिवासी बेमियादी धरने पर बैठ गए।
आदिवासी जबरदस्ती ठंड में कार्रवाई से नाराज हैं। आरोप है कि आदिवासियों को हटाने के लिए जलाशयों में जहर मिला दिया गया था। विरोध करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान से भारत आई गीता पर अब जबलपुर के एक परिवार ने दावा ठोका है। अनिसा बी नाम की ये महिला का ये दावा है कि 11 साल पहले उनकी बेटी नज्जो अचानक गायब हो गई थी। अनिसा बी का ये दावा है कि टीवी चैनल पर गीता को देखते ही उन्होंने पहचान लिया। गीता से मिलने जब अनिसा बी का परिवार इंदौर के एनजीओ पहुंचा तो उन्हें फिलहाल मिलने से रोक दिया गया। भिंड में भी शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले के खिलाफ कड़ा विरोध देखने को मिला। दिलवाले फिल्म के खिलाफ शिवसैनिकों ने चौकीज पर पहुंचकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ डाला। हंगामा करने वालों को काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कलियासोत नदी के किनारे 33 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों को तोड़े जाने का विरोध जारी है। शुक्रवार को एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सोत नदी के पास विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल में गरीबी ने एक नाबालिग लड़की की जान ले ली। 17 साल की पिंकी पढ़ाना चाहती थी लेकिन गरीबी के कारण वो स्कूल पढ़ना चाहती थी लेकिन गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाई। पढ़ाई छूट जाने से परेशान पिंकी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पिंकी की मां मनोरमा सिंह घरों में झाड़ू पोछा का काम करती हैं। अब मनोरमा के पति की मौत हो चुकी है। खराब माली हालत की वजह से मां उसे आर्थिक के बारे में। आगरा के फतेहपुर सीकरी थाने में टोल प्लाजा के पास डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। सुबह को जयपुर हाईवे पर दो युवकों को गोलियों से भून डाला गया। वारदात को टोल प्लाजा के पास अंजाम दिया गया जहां पर पुलिस पिकेट भी रहती है। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों युवकों को कार से खींच कर गोलियों से भून डाला गया। मृतकों में एक फौजी बताया जा रहा है। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मौके से हरियाणा नंबर की एक गाड़ी मिली है। बेगूसराय में सरकारी स्कूलों में गबन का मामला सामने आया है। यहां कई स्कूल्स में एक बच्चे का नामांकन 2 से 3 कक्षाओं में दिखाकर साइकिल पोशाक और छात्रवृत्ति राशि का गबन किया गया है। दिल्ली के सरोजनी नगर रेलवे ट्रैक पर 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक सभी की मौत ट्रेन से गिरने से हुई है। शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे ये लोग नशे की हालत में ट्रेन से गिर गए थे। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का नाम रमेश और मीना है जबकि तीसरे मृतक के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। देश भर में क्रिसमस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। पीएम मोदी ने क्रिसमस के पावन त्यौहार पर देशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी। मुंबई के चर्चेज में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर क्रिसमस की बधाइयां दी और गिफ्ट दिए। सिलीगुड़ी में क्रिसमस के जश्न का अलग अंदाज देखने को मिला। यहां लोगों ने क्रिसमस केक पर फ्रांस में हुए आतंकी अटैक और ग्लोबल वार्मिंग का चित्र उकेरा। राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई जिलों में सेंटा क्लॉज बच्चों के बीच गिफ्ट बांटते नजर आए। राजस्थान के राजकोट में लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट देकर क्रिसमस की बधाइयां दी। 27 दिसंबर को रिलायंस जियो की सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रही है। इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। ईटीवी से एक खास मुलाकात में शाहरुख खान से उन्होंने ये कहा कि वो रिलायंस के जियो की लॉन्चिंग में रहने वाले हैं। डिजिटल इंडिया के भविष्य पर उनका कहना था कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना है। ईटीवी के हेड जगदीश चंद्रा से खास बातचीत के दौरान शाहरुख ने कहा कि वो इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं। ईटीवी से खास बातचीत में शाहरुख ने कहा कि रिलायंस का ये कदम देश की ही नहीं बल्कि दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आज विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और दूसरा गुजरात और तमिलनाडु के बीच खेला जाएगा। संबाजी राव मस्तानी में काशीबाई का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि किसी एक का विरोध करने के नाम पर फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए। प्रियंका का यह कहना था कि एक फिल्म से कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। ऐसे में विरोध की वजह से उनकी जिंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दरअसल पिछले दिनों शाहरुख ने यह कहा था कि असहिष्णुता वाले बयान को लेकर उनकी फिल्म दिलवाले की कमाई पर असर पड़ रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर सोनम कपूर के 80 लाख फैंस हो गए हैं। सोनम ने ट्विटर पर साल 2009 में अपना अकाउंट बनाया था। सोनम ने अपने फैंस को धन्यवाद कहा है लेकिन अभी भी सोनम प्रियंका और दीपिका पादुकोण से काफी पीछे हैं। दोनों की फैन फॉलोइंग 1 करोड़ से भी ऊपर है। करीना कपूर और सैफ अली खान अपने फिल्म की शूटिंग के चलते 1 महीने तक एक दूसरे से दूर रहे लेकिन अब सैफ और करीना ने न्यू ईयर विदेश में साथ मनाने का फैसला किया है। क्योंकि अगर माने तो करीना और सैफ क्रिसमस के लिए स्विट्जरलैंड गए और फिर नए साल का स्वागत भी एक कपल विदेश में ही करेगा। सैफ और करीना 10 जनवरी को भारत लौटेंगे। नीतू कपूर और उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर आजकल फवाद खान के जबरदस्त फैन बन गए हैं। हाल ही में दोनों फवाद से लंदन में मिले थे। उन्होंने फवाद के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। नीतू और रिद्धिमा फवाद के टीवी शो हम सफर से बेहद प्रभावित हैं। सुनने में आया है कि हाल ही में एक अवार्ड समारोह में सलमान खान सैफ अली खान को नजरअंदाज करते हुए नजर आए। इस समारोह में एक तस्वीर भी सामने आई है। जब सलमान ने एंट्री की तो सैफ मीडिया से बातचीत कर रहे थे लेकिन सलमान ने उन्हें हेलो तक नहीं कहा।
अपने जमाने की लोकप्रिय अदाकारा साधना का शुक्रवार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। वो 74 साल की थी। बताया जा रहा है कि साधना को मुंह का कैंसर था। साधना पिछले कुछ वक्त से अस्पताल में भर्ती थी। साधना 1960 और 70 के दशक में टॉप की एक्ट्रेस रही हैं और उन्होंने लगभग 35 फिल्मों में काम किया था।